करने के करने के। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज इतना महामारी मची हुई है कि मतलब लोग अजीब गरीब तरीके से मतलब एक दूसरे को चीज़ें शेयर करते हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई कयामत आने वाली है, कुछ लोग बोल रहे हैं एंड ऑफ टाइम हो गया, दज्जाल का अराइवल हो रहा है। इनफैक्ट मुझे पर्सनली बहुत सारे फ्रेंड्स ने मैसेजेस शेयर किए कि दज्जाल आने वाला है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, आप खुद देख लीजिए। दज्जाल का जो है ना, अभी फिलहाल दज्जाल के आने का प्रोग्राम नहीं काफी राहत मिली होगी आपको। वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे बता देता हूँ, किसी महान आदमी ने कहा है, करने के काम करोगे तो न करने के कामों से बचोगे, और अगर करने के काम नहीं करोगे तो न करने के काम करने ही पड़ेंगे। करने के हाँ। तो इस कहावत से सीधे मालूम होता है कि इस वक्त जो हमें करना है वो क्या है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला है कि घर में बैठो वगैरह वगैरह, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने लिंक दिया हुआ है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो आल्सो। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सबके लिए है, चाहे आप कश्मीरी हो, पंजाबी हो, मलयाली हो, बंगाली हो, सिंधी हो, मतलब आप जो भी हो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, व्हाट टू डू इन दीज क्वारंटाइन डेज, व्हाट टू डू इन 21 डेज। जैसा कि आज फिर से एक्सटेंड हुआ है, जैसे बोला गया है कि घरों में रहें वगैरह वगैरह, लॉकडाउन विल बी कंटिन्यू टिल 3rd of May। बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं हाउ टू डू दीज थिंग्स इन क्वारंटीन, हाउ टू स्टार्ट रीडिंग, हाउ टू स्टार्ट मेकिंग दिस, कैसे अपने अंदर पीस ऑफ माइंड हम करें, मतलब कैसे हम पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ करें। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज यू कैन गो। कुछ लोग कहते हैं कि तुम मेडिटेशन करो, योगा करो, एंड सम पीपल आर यूजिंग दोज पॉट्स, यू नो वो पॉट्स, तिब्बतियन पॉट्स, उनको टैं करते हैं ऐसे, तो क्या विंड चाइम्स के साथ खेलो। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी तदबीरें, मतलब बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। आज मैं आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, हाउ आई एम अट्रैक्टिंग द पॉजिटिव एनर्जी, और वो ऑप्टिमिज्म अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं हम, वो चीज़ मैं अपने अंदर कैसे लाऊं, वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। सो फॉर दिस आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू एन एप्लीकेशन। दिस इज़ नॉट अ पेड एप्लीकेशन, आई मस्ट टेल यू। ये मैं अपना जो मेरे पास कोई भी पॉजिटिव चीज़ है, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर इट विद यू गाइज। सो मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बोलना चाहता हूँ। However, you have multiple options, आप बहुत सारी applications का use कर सकते हो, but मैं अपना experience share करना चाहता हूँ। There is this app, Raad Al Kurdi, this is the name of the app। ये एक इंसान का नाम है, no doubt। अच्छा जीता जाता है, इंसान है, जवान है, तो app का नाम भी यही है, Raad Al Kurdi। This is the application. So this is what I was talking about. You can listen to beautiful recitations of Quran. It is for all. Anybody can access to it. अगर आपको पसंद, आप एक बार 2 मिनट में इसे इंस्टॉल करके एक बार ट्राई कीजिए। यू जस्ट लिसन 1-2 chapters और 1-2 phrases और 1-2 verses, आप एक बार सुन लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है देन यू कैन कीप इट, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस, मतलब यू कैन डिलीट इट अगर आपको अच्छा ना लगे। आप कौन सा ऐप यूज करते हैं ये मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। सो इट्स टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।